दोस्तों, मेरा नाम है अमित, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग पोको F5, रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G, पोको X4 प्रो 5G एंड पोको X5 5G एंड रेडमी नोट 12 5G के अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। अगस्त के महीने में फिर से Xiaomi ने डिवाइसेस के अंदर नए अपडेट्स यहाँ पर रिलीज करे हाइपर ओएस 1.0 के। यहाँ पर इस अपडेट का जो साइजेस है ना, बहुत छोटे छोटे है, कोई 8 MB का, कोई 10 MB का, कोई 12 MB का, ऐसे अपडेट्स आपको देखने को मिलते हैं। छोटे मोटे चेंजेस भी आप सभी को देखने को मिलेंगे। क्या है इस अपडेट्स के अंदर, सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिए हुए इन डिवाइसेस के बारे में, जिसके पास कौन सा भी डिवाइस है उसको स्किप करके आप डायरेक्ट वहां पर देख सकते हैं। और उससे पहले आपको रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाइपर ओएस रिगार्डिंग हर अपडेट्स की न्यूज आपको इस चैनल के ऊपर यहाँ पर देखने को मिल जाएगी सबसे पहले, एंड टेलीग्राम को भी जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे पोको F5 से। तो पोको F5 के अंदर एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट को जो है रिलीज करेगा इंडिया में, जिसका वर्जन है 1.0.11.0 UMRINXM। ये वर्जन आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलता है पोको F5 के अंदर। अगस्त के महीने का ही सेकंड अपडेट आप सभी को देखने को मिलता है, और यहाँ पर जो है ना, इसके अंदर अगस्त का ही सिक्योरिटी पैच मेंशन है। आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए पोको F5 का 1.0.11.0 वाला वर्जन में। यहाँ पर नीचे साफ साफ लिखा है अगस्त का सिक्योरिटी पैच है, और सिस्टम की इंप्रूवमेंट वगैरह किया गया है, स्टेबिलिटी वगैरह बढ़ाई गई है, और अपडेट साइज आप जान के हैरान रह जाओगे, सिर्फ 10 MB का अपडेट साइज आप सभी को देखने को मिलता है। तो पोको F5 के अंदर जो ये अपडेट आया है ना, सिर्फ 10 MB के अपडेट के साथ आया है, और अगस्त का सिक्योरिटी पैच जो है वो मेंशन किया हुआ है। तो अगर आपके पास ये डिवाइस है, चेकआउट कर लीजिएगा। अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, पब्लिक में भी रिलीज ये हो चुका है। और भी जल्दी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट डिवाइस इधर बढ़ते हैं, जो कि रेडमी का नोट 11 प्रो प्लस 5G एंड पोको X4 प्रो 5G। दोनों डिवाइस बिल्कुल यहाँ पर सेम टाइम पर सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं, क्योंकि दोनों डिवाइस में एक ही वर्जन यहाँ पर चलता है, दोनों का कोड वगैरह भी सब सेम है, इसलिए हम दोनों का एक साथ ही बात कर रहे हैं। तब सुनिए, यहाँ पर Redmi Note 11 Pro Plus 5G एंड Poco X4 Pro 5G के अंदर नया सॉफ्टवेयर का जो अपडेट रिलीज हुआ है फिर से, ये जो है 1.0.3.0 TKCINXM वाला आप सभी को ये वर्जन देखने को मिलता है। एंड अपडेट साइज लगभग शायद 322 MB के आसपास का देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको अगस्त 2024 का लेटेस्ट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच दिया गया है। अगस्त 2024 का ही लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है, और इसमें एक और भी चेंज किया गया है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि लॉक स्क्रीन के अंदर जब हम लोग लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं, तो वहाँ पर एडिट करने वाला जो ऑप्शन आता है ना लॉक स्क्रीन का, कस्टमाइजेशन का, वो चीज़ को लेकर थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन वगैरह यहाँ पर किया गया है। पहले कुछ उसमें प्रॉब्लम्स वगैरह थी, उसको सॉल्व करने के लिए ये सब चीज़ किया गया है। तो दो चेंजेज है, अगस्त का सिक्योरिटी पैच है, और लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन में थोड़ा बग्स वगैरह को यहाँ पर फिक्स किया गया है, स्मूथनेस बढ़ाई गई है, और स्टेबिलिटी वगैरह के ऊपर काम किया गया है रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G एंड पोको X4 प्रो 5G के अंदर। अगर आपके पास ये स्मार्टफोन है तो चेकआउट कर लीजिए 1.0.3.0 TKCINXM वर्जन पोको X4 प्रो 5G एंड रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G में रिलीज हो चुका है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर लास्ट डिवाइस की तरफ, जो कि है यहाँ पर पोको X5 5G एंड रेडमी नोट 12 5G। ये फोन भी दोनों सेम है, यहाँ पर अपडेट्स भी सेम ही यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिनके लिए भी यहाँ पर इंडिया में नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स को फिर से यहाँ पर रिलीज करा गया है। यहाँ पर अपडेट का साइज सुन के आप लोग हैरान रह जाएंगे, उससे पहले आपको वर्जन बता देता हूँ। तो 1.0.6.0 UMPINXM वर्जन आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलता है स्मार्टफोन के अंदर पोको X5 5G एंड रेडमी नोट 12 5G में। और यहाँ पर अपडेट का साइज सुनिए, अब 7.9 MB का अपडेट साइज है ना, मजाक वाली बात है कि नहीं, सिर्फ 7.9 MB का अपडेट साइज यहाँ पर रिलीज किया है Xiaomi ने, और इसके अंदर आपको अगस्त का सिक्योरिटी पैच दिया हुआ है, और कुछ भी मेंशन नहीं है चेंज लॉक के अंदर। हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा कि Xiaomi ऐसा क्यों कर रहा है, अपने कुछ डिवाइसेज के अंदर बहुत कम अपडेट साइज के जो है अपडेट जो यहाँ पर रिलीज हुए हैं, और इस फोन के अंदर दोबारा से अपडेट रिलीज हुआ है। अभी कुछ टाइम पहले भी अपडेट यहाँ पर रिलीज हुआ था, फिर दोबारा इस महीने के अंदर अपडेट आ गया है। पहले बार में शायद बग वगैरह होगा, तो उसको फिक्सिंग के लिए अपडेट को ये रिलीज करा हुआ है। तो आप स्क्रीनशॉट भी देख लीजिएगा, 1.0.6.0 का अपडेट है, 7.9 MB का अपडेट साइज यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो अगर आपके पास ये डिवाइस है तो चेकआउट करके अपडेट कर लीजिए, एंड फ्यूचर में और भी हाइपर ओएस के रिगार्डिंग अपडेट्स की न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पोको X5 5G से रिगार्डिंग और भी अच्छी न्यूज़ यहाँ पर आने वाली है। हाइपर ओएस 2.0 के मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ जल्द ही इस डिवाइसेज के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बताइएगा आपके पास इनमें से कौन सा स्मार्टफोन है कि आपको अपडेट मिला। जय।